so in this video we are going to talk about 18th century neoclassical criticism so let's begin neoclassicism was a cultural movement of the west हम सभी जानते हैं कि नियोक्लासिसिज्म जो थी एक तरह की कल्चरल मूवमेंट थी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी यानी वेस्टर्न कंट्रीज खासकर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम क्लासिसिज्म और ये क्लासिसिज्म से इंस्पायर्ड था क्लासिसिज्म क्या है तो क्लासिसिज्म जो एंशियंट ऑथर्स थे जो क्लासिकल ऑथर्स थे लाइक एरिस्टोटल प्लेटो उनके विचारधारा को फिर से लोगों के सामने लाने की कोशिश को ही कहा जाता है कि ये न्यू क्लासिसम इट टुक प्लेस इन एवरी फील्ड ऑफ आर्ट्स यह आर्ट्स के हर फील्ड में हुआ जैसे कि लिटरेचर थिएटर म्यूजिक एंड विजुअल आर्ट्स इट कवर्स द टाइम पीरियड ऑफ नियरली वन फिफ्टी लगभग एक सौ पचास साल के टाइम पीरियड को कवर करता है इट बिगे में शुरू हुआ हम सभी जानते हैं इट वॉज द टाइम ये वही समय था वेन चार्ल्स सेकेंड बिकेम द किंग जब चार्ल्स द्वितीय जो है राजा बने देर वर ए नंबर ऑफ ऑथर्स बहुत सारे ऐसे ऑथर्स थे हु पार्ट ऑफ इट जो इसके थे? उनमें से से जो कुछ प्रमुख नाम है, ड्राइडन, नाम है। हैं, तक का रहा, ये काफी चर्चित है, या जिन्हें हम कहते डॉक्टर जॉनसन करके भी बुलाया जाता है जोनाथन स्विफ्ट एंड जोसेफ एडिशन ये सारे नाम जो है कुछ गिने चुने हैं जो इससे जोड़े जाते हैं नियो क्लासिसिस्ट व ट्रेडिशनलिस्ट यानी जो न्यू क्लासिस पोएट्स थे वो ट्रेडिशनलिस्ट थे क्योंकि वो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे ट्रेडिशन मीन्स क्लासिसिज्म दे बिलीव दैट लिटरेचर वॉज एन आर्ट उनका मानना था कि लिटरेचर एक आर्ट है इट कुड ओनली बी परफेक्टेड बाई स्टडी इसे सिर्फ स्टडी की हेल्प से ही परफेक्ट किया जा सकता है साथ ही साथ डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस द वर्ड न्यो क्लासिकल इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रीक एंड लैटिन ऑरिजिन इट मीन्स द रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म जिसका मतलब होता है कि क्लासिसिज्म का एक रिवाइवल यानी फिर से उसमें जान डालना फिर से उसमें जीवन भर देना इट इज रिलेटेड टू द स्टाइल ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्टिस्ट्स ये रोमन और ग्रीक आर्टिस्ट्स के शैली से ही जुड़ा हुआ है इट गिव इंपोर्टेंस टू क्लासिकल वैल्यूज़ एंड एथिक्स इसने क्लासिकल वैल्यूज़ जो भी थे उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया साथ ही साथ एथिक्स एथिक्स यानी जो उनकी नीतियाँ थी जो उनके थॉट्स थे उनको द पर्पज ऑफ द न्यू वेरी सिमिलर टू द आइडियाज ऑफ क्लासिस यानी इनका पर्पज क्लासिस के आइडियाज से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता था यानी ये वही चाहते थे जो कि क्लासिकल ऑथर्स चाहते थे इन एन ऐसी ऑन क्रिटिसिज्म एन ऐसी ऑन क्रिटिसिज्म एक बुक है जो कि एलिजेंडर पोप के द्वारा सत्रह सौ ग्यारह में पब्लिश हुई थी प्रेजिज एंड्रिसिएट्स द थाट्स ऑफ द क्लासिकल ऑथर्स इसमें वे तारीफ़ करते हैं उन ऑथर्स की जो क्लासिकल थे जो क्लासिसिस्ट्स थे ही सेज़ दैट वर सो एक्सप्रेसिव वे तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वे इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे यानी अपनी बातों को वो इतने स्पष्ट तरीके से रख पाते थे रीडर्स के सामने ऑडियंस के सामने दैट इवन द मॉडर्न ऑथर्स आर अनेबल टू बी लाइक देम कि मॉडर्न ऑथर्स आज भी उनकी तरह ये कला एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं नहीं सीख पाए हम कुछ मेजर पोइट्स को एज अ क्रिटिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर चूंकि हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं तो जरूरी है ड्राइडन एज ए क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू सैमुल जॉनसन सेमुल जॉनसन की माने तो ड्राइडन वॉज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिसिज्म ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिसिज्म के फाउंडर माने जाते हैं जॉन ड्राइडन ड्राइडन डिफाइंड क्रिटिक्स इन द स्टाइल ऑफ एरिस्टोटल उन्होंने एरिस्टोटल की ही शैली में अरस्तु की शैली में ही जो है क्रिटिसिज्म को डिफाइन किया क्रिटिक्स को डिफाइन किया ही सेट दैट इट वॉज अरिस्टोटल और उन्होंने यह भी कहा कि ये अरिस्टोटल ही थे हु फर्स्ट गेव ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म जिन्होंने हमारे सामने इंट्रोड्यूस करा क्रिटिसिज्म को ही सेट दैट अ ट्रू क्रिटिक ओनली कैन बी अ गुड जज यानी एक ट्रू क्रिटिक वही हो सकता है जो एक अच्छा जज हो और एक अच्छा ऑब्जर्वर हो स्वाभाविक ही है क्रिटिक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की बुराई करें क्रिटिक होने का मतलब होता है कि किसी भी पहलू के दोनों ही पक्षों को रखें चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव इसीलिए उसे एक अच्छा जज एक अच्छा ऑब्जर्वर होना काफ़ी ज़रूरी है ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इट इन हिज ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में भी ये बात रखी है इन हीज मॉक हीरोइक सेटायर उनके एक और वर्क की बात करें मैक मैकफ्लैक्नो ही लेमेंट्स द प्रस्टिट्यूशन ऑफ लिटरेचर वो लिटरेचर के प्रोस्टिट्यूशन का शोक मनाते हैं यानी कहते हैं कि लिटरेचर कुछ नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन बन गया है यानी लिटरेचर लिखना या जो जितने भी राइटर्स हैं वो प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं है वेश्या से कम नहीं है ड्राइडन वॉज अ वेरी क्लेवर राइटर ड्राइडन काफ़ी क्लेवर राइटर थे ही नेवर रिमेंड इन द फेवर ऑफ अ सिंगल स्टेट्समैन वो कभी भी किसी एक स्टेट्समैन के फेवर में नहीं रहे किसी एक राजनेता के पक्षधर नहीं रहे इट सोज़ दैट ही डिड नॉट लाइक पेट्रोनिज ये दिखाता है कि उन्हें पेट्रोनिज पसंद नहीं था पेट्रोनिज मतलब किसी के दरबारी करना किसी के दरबार में रहना उसकी तारीफ़ें करना आपने बहुत सारे दरबारी कवि का भी नाम सुना होगा जो सिर्फ़ जिस राजा के दरबार में रहते थे उसकी तारीफें ही करते थे उसके अलावा कुछ नहीं उनके उन्हें उनकी बुराई नहीं दिखती थी चूँकि उन्हें उनसे संरक्षण मिलता था ही ट्राइड टू कीप इट न्यूट्रल फेवरिंग दोज उन्होंने इसे न्यूट्रल रखने का प्रयास किया उनका फेवर करके हुर एक्चुअली गुड जो वाकई में अच्छे थे पैटर्निज वॉज नॉट ओनली इन इंग्लिश लिटरेचर ये सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं था इट वॉज़ प्रैक्टिसड बाई इवन द राइटर्स ऑफ अदर लैंग्वेज ये दूसरी भाषाओं के राइटर्स में भी देखा गया मैनी ऑफ देम लाइक ड्राइडन वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट और इसके पक्ष में ड्राइडन ने कुछ नहीं कहा ना ही कभी उनका पक्ष लिया दैट इज वाई ही कंपेयर्ड दीज ऑथर्स टू प्रांूट्स और इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने इन ऑथर्स को प्रॉस्टिट्यूट्स का दर्जा दिया हु आर नेवर ऑनेस्ट टू एनी वन जो कभी भी किसी के प्रति ऑनेस्ट नहीं होते लॉयल नहीं होते दे जस्ट सर्व एंड प्रेज देअर पैटर्न वे बस अपने मालिकों की अपने संरक्षकों की तारीफें करते हैं पोप वॉज ऑल्सो एन एक्सेप्शन पोप भी एक उसमें से अपवाद ही थे मतलब पोप भी वैसे नहीं थे उन ऑथर्स में जो कि पैट्रोनेस को पसंद करते थे हु वॉज वेरी प्रोफेशनल इन राइटिंग्स वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से लिखते थे हीज राइटिंग्स वर नेवर बयास्ड वे कभी भी किसी के पक्ष में नहीं होती थी और इन द फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ना ही किसी एक व्यक्ति के फेवर में होती थी ही ट्रूली रोड फॉर रीडर्स वे रीडर्स के लिए लिखते थे ड्राइडन बिलीव्ड दैट अ राइटर मस्ट बी वेरी अनबयास्ड ड्राइडन का मानना था कि एक राइटर को अनबयास्ड होना चाहिए किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए

ऐसे क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जो है वे नेचर के पक्षधर भी थे यानी एगजेंडर पोप की बात करें तो ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका कटाक्ष किया क्रिटिसाइज किया उनको बट द फैक्ट इज दैट हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड परसेप्शन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द राइटर्स ऑफ रोमांटिकिरा लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी जो राइटिंग थी नेचर को लेकर वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी जैसा कि रोमांटिक रोमांटिकराम में लिखा गया इनफैक्ट ही वॉज अ पोएट हु इस्टेब्लिश्ड अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिज डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ राइटिंग और सच कहा जाए तो वे एक ऐसे ऑथर थे जिन्होंने हर टॉपिक्स पर तो लिखा लेकिन एक संतुलन भी उनमें रखा ये नहीं किसी एक ही टॉपिक पर लिख रहे हैं हिज ओनली पर्पस वॉज टू सर्व ह्यूमनिटी वो बस मानवता के लिए मानव जाति के लिए रीडर्स के लिए लिखते थे ही ऑल्सो रोड फॉर कमर्शलाइजेशन एंड पॉलिटिकल करप्शन उन्होंने कमर्शलाइजेशन के बारे में भी लिखा साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी दिखाया इन अदर वर्ड्स ही क्रिटिसाइज्ड अ कंटेम्प्ररी सोसाइटी उन्होंने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो कुछ चल रहा था उसमें पेट्रोनेज का जो एक होड था लोगों में वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इट शोज दैट ही वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल ऑथर्स यही कारण है कि हम उन्हें एक ट्रू न्यू क्लासिकल पोइट भी मानते हैं इसीलिए इन कारणों से इस एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है देअर वी कैन से दैट न्यू क्लासिसिज्म इज नथिंग बट अ रीडेवलप्ड शेप ऑफ क्लासिसिज्म हम कह सकते हैं कि जो क्लासीसिज्म जो है बस क्लासिसिज्म का ही एक नया डेवलप्ड सेप है इट रिकॉल्ड द थियोरीज एंड वैल्यूज़ ऑफ़ अरिस्टोटल जो अरिस्टोटल के थियरीज और वैल्यूज़ को रिकॉल करती है फिर से सामने लाती है हु वॉज रियली गुड एट जजिंग ऑब्जर्विंग एंड क्रिटिसाइजिंग जो इन सब चीज़ों में माहिर थे चाहे वो जज करने की बात हो ऑब्जर्वेशन की बात हो या क्रिटिसिज्म की बात हो ही अंडरस्टूड दैट द क्रिटिसिज्म नेवर मीन्स टू टारगेट समवन वे भली भांति जानते थे कि क्रिटिसिज्म का मतलब किसी को टारगेट करना नहीं होता अ गुड क्रिटिक इज हु नोज हाउ टू क्रिटिक वही है जो किसी उसकी खूबियां क्या हैं उनमें क्या कमियां हैं इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड एक में साथ, के साथ साथ उसके नेगेटिव साइड्स को दिखाया जाता है ना कि सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव साइड को इट प्रेजेज द गुड साइड ऑफ एंड कंडेम्स द बैड साइड्स यह अच्छे चीज़ों की तारीफें भी करता है बुरे चीज़ों की निंदा भी करता है दिस इज़ हाउ द ट्रू क्रिटिसिज्म इज प्रैक्टिस और इस तरह से ट्रू क्रिटिसिज्म प्रैक्टिस की जाती है ट्रू क्रिटिसाइज किया जाता है ट्रूली इट लास्टेड टिल द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एयर ऑफ़ क्रिटिसिज्म रोमांटिक इरा ये रोमांटिक इरा तक रहा यानी 1798 तक दिस इज ऑल्सो द रीज़न दैट इट इज़ कॉल्ड द एटींथ सेंचुरी क्रिटिसिज्म यही कारण है कि इसे एटीन सेंचुरी क्रिटिसिज्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं सो दैट वॉज अबाउट न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म यू मे ऑल्सो वॉच द वीडियो विच आई हैव मेड ऑन न्यो क्लासिसिज्म दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली थैंक्स फॉर वॉचिंग